जो कि गोल्डन कीवर्ड अभी बन चुकी है। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेम बीज। गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे केजीआर मेथड के बारे में। बेसिकली हम लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग की कंप्लीट कोर्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर मैं आप लोग को जो कीवर्ड रिसर्च बता रहा हूँ ना, ये एक बहुत अच्छी तरीका है कीवर्ड को रिसर्च करना। ये एक प्रो तरीका है आप लोग कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, और आप लोग उसी कीवर्ड को यूज़ करके अगर आप लोग पोस्ट वगैरह लिखोगे ना, तो आप लोग की चांस ज़रूर होगी कि आप लोग टॉप पेज के अंदर रैंक कर जाओ, टॉप 5 के अंदर रैंक करो, और आप लोग की जो रेवेन्यू ज़्यादा अर्न कर सकते हो। देखो, हम लोग को बेसिकली ज़रूरी होती है हम लोग की जो पोस्ट है ना, टॉप 3 टॉप के अंदर हम लोग की जो पोस्ट आए, अगर टॉप 3 या 5 के अंदर अगर हम लोग की जो पोस्ट आ जाती है ना, तो हम लोग को डेफिनेटली चांस मिल जाती है कि हमारा जो कन्वर्जन बढ़ जाएगी और हम लोग को अच्छी खासी रेवेन्यू भी मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस देखो, यहाँ पे आप लोग को अगर ये सीट चाहिए तो हम लोग को कमेंट कर सकते हो नीचे, और ये हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोग के पास है, अगर आप लोग इसे यूज नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में हम लोग आप लोग को सारी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आप लोग कैसे इसे यूज कर सकते हो। तो गाइस, हम लोगों ने जो पिछले वीडियो के अंदर ये कैटेगरी को चूज़ करा था, जो कि टॉय हम लोगों ने चूज़ करा था ना, उसी चीज़ को लेके हम लोग आज एक कीवर्ड रिसर्च करेंगे। मुझे नहीं पता कौन सी कीवर्ड निकल के आ जाएगी, बट जो भी कीवर्ड निकल के आएगी ना, बहुत अच्छी कीवर्ड होगा और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वो दिलाएगा। अगर आप लोग चाहते हो ना ये टॉय के बारे में एक कम्प्लीटली माइक्रो निच वेबसाइट बनाने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग बना सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, और इस कीवर्ड रिसर्च के बाद हम लोग वर्डप्रेस के अंदर कैसे पोस्ट वगैरह लिखेंगे। गाइस, पिछले वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करा था, आप लोग कैसे आप लोग की जो नीच सिलेक्ट कर सकते हो, आप लोग की जो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप माइक्रो निच वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप लोग बेसिकली क्रिएट भी कर सकते हो। अगर ये मेथड आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग को डेफिनेटली चांस होगी जो कि आप लोग की जो पोस्ट रैंक कर जाए और आप लोग अच्छे खासे रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हो। तो देखो, हम लोगों ने जो पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारे चीज़ें डिस्कशन करा था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसकी लिंक वगैरह मिल जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर देखो, यहाँ पे आप लोग को वही सेम चीज़ें सेम कैटेगरी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे आप लोग अगर और भी माइक्रो निच वेबसाइट करना चाहते हो, देखो बेसिकली हम लोगों ने अभी एक यहाँ पे जो कैटेगरी देखने को आप लोग को मिल रही है ना, उसी कैटेगरी से आप लोग को एक कीवर्ड यहाँ पे ले लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डॉल्स एसेसरीज वगैरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर एक कैटेगरी बन गया जो कि टॉय एंड किड्स की। देखो यहाँ पे ये जो मेन कैटेगरी था उसका भी मेन कैटेगरी था, और उसका सब कैटेगरी, और उसकी जो सब कैटेगरी ये था जो कि डॉल एंड एसेसरी, और उसकी जो सब कैटेगरी ये आप लोग को देखने को मिलेगी। देखो, माइक्रो निच वेबसाइट के अंदर आप लोग को सिंपल जो कि टारगेटिंग ऑडियंस आप लोग को मिल जाती है, इसकी चांस ज़्यादा हो जाती है कि आप लोग की अच्छी खासी कन्वर्जन आप लोग को मिल जाए, क्योंकि आप लोग ऐसी एक कीवर्ड फाइंड करके आप लोग पोस्ट वगैरह लिखोगे ना, वहाँ पे आप लोग की जो प्रोडक्ट की लिंक वगैरह ऐड करोगे ना, वहाँ पे क्या होता है कि टारगेटिंग ऑडियंस उसके अंदर आ जाते हैं, और आप लोग को बहुत सारी ट्रैफिक नहीं चाहिए, आप लोग को बहुत लिमिटेड ट्रैफिक चाहिए, उसके अंदर आप लोग बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक कीवर्ड यहाँ पे ऐड करा, सॉरी चूज़ करा, उस कीवर्ड को देखो यहाँ पे आप ले सकते हो। बेसिकली गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने एक कीवर्ड को यहाँ पे ला के ऐड करा, जिसके अंदर से हम लोग को मिला था, तो उसी सेम कीवर्ड को यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करा जो कि म्यूजिकल टॉय। फॉर बेबीज हम लोगों ने ऐड करा, तो सिंपल अगर हम लोग इस कीवर्ड को अभी डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे आप लोग को ऐसी सजेशन जो कि मिल जाएगी गूगल के अंदर, वही सजेशन आप लोग को देखने को बेसिकली मिल जाएगी। तो यहीं से आप लोग क्या कर सकते हो, एक कीवर्ड को आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने ये जो कीवर्ड को ऐड करा था जो कि म्यूजिकल टॉय फॉर बेबीज, तो सिंपल हम लोगों ने उसे ऐड करा,
तो जैसे ही ऐड करा आप लोग के सामने जा रही सारी इन्फॉर्मेशन ये ओपन करके दे देगा। जैसे कि अगर आपके पास टूल वगैरह है जैसे कि समरस RF और भी बहुत सारे जो QR टूल आप लोग को देखने को मिलेगी, अगर वो टूल अगर आपके पास है तो वो टूल अगर आप लोग यूज़ करते हो ना तो आप लोग को भी ये वैल्यू मिल जाएगी। बट हम लोगों ने जो एक्सटेंशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना उसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि कुछ वैल्यूज वगैरह देखने को मिल जाएगी। ओके, ये एक्यूरेट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम लोग उसकी जो आसपास की वैल्यू हम लोग को इधर मिल जाती है। ओके, तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने अभी ऐड कर चुकी है म्यूजिकल टॉय फॉर बेबीज़। तो जैसे ही ऐड करा हम लोगों ने US के अंदर, अगर आप लोग US को टारगेट करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये US है। तो जैसे ही US हम लोगों ने ऐड करा था यहाँ पे देख सकते हो उसका सर्च वॉल्यूम 2900 की और CPC आप लोग को $0.75 CPC आप लोग को मिल रहा है और SEO डिफ़िकल्टी आप लोग को 36 देखने को मिलेगी जो कि अच्छी नहीं है आपके लिए। बट इंडिया के अंदर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी QR सेशन आप लोग को देखने को मिलेगी ज़रूर, बट यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो इंडिया के अंदर 880 आप लोगों को सर्च वाली मिल रहा है और CPC भी आप लोग को 0.10 देखने को मिल जा रहा है। और हम लोग को ये बेसिकली QR नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम लोग इस QR को चेक करते हैं ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो ऑल इन टाइटल अगर आप यूज़ करते हो तो आप लोग को देखने को मिलेगी उस QR को यूज़ करके कितनी सारी पोस्ट वगैरह लिखा गया है। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2030 पोस्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है। अगर वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे ला के ऐड करेंगे बेसिकली सर्च वॉल्यूम ऑल इन टाइटल आप लोग को मिल जाती है 2030 की। और अगर हम लोग US को भी टारगेट करेंगे ना जो कि है 2900 सर्च वॉल्यूम जो है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि हमारी जो 0.25 से ज़्यादा ये हो रहा है, मतलब आप लोग ये कीवर्ड को बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। ओके, अगर आप लोग इंडिया के अंदर भी उसे टारगेट करोगे ना जो कि 800 है तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग को डिफ़िकल्ट देखने को मिलेगी जो कि 2.5 पर। तो हमें ये कीवर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने ऑल इन टाइटल को यहाँ पे रिमूव कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक स्पेस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे स्पेस ऐड कर रहा आपके सामने बहुत सारे सजेशन देखने को मिलेगी, तो उसके हिसाब से आप लोग के हिसाब से यहाँ पे आप लोग एक अगर एक QR को अगर ऐड करते हो ना तो आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगी उसकी सर्च वॉल्यूम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। पहले उसका सर्च वॉल्यूम हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे और भी QR यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि हम लोग को अच्छी खासी रिजल्ट भी मिलने वाला है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो आप लोग को US के अंदर आप लोग को 110 की जो सर्च वॉल्यूम देखने को मिलेगी और इंडिया के अंदर बिल्कुल भी सर्च वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर हम लोग ऐड करते हैं ऑल इन टाइटल तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग को 31 पोस्ट देखने को मिलेगी बेसिकली। बट यहाँ पे अगर हम लोग कैजियर मेथड यूज़ करके अगर इस कीवर्ड को रिसर्च करेंगे ना तब भी हम लोग को पता चल जाएगी कि ये कीवर्ड हमारे लिए सही है या नहीं। तो सिंपल यहाँ पे मैंने उसे कॉपी करा और उसके बाद ही जो ऑल इन टाइटल को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ला के जो वॉल्यूम है ना 110 30 पोस्ट इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। और अभी आप लोग देख सकते हो जिसका डिफिकल्ट KGR मेथड के यूज करके हम लोगों ने उसका जो डिफिकल्ट वगैरह चेक कर रहे हैं ना उसका डिफिकल्ट आप लोग को मीडियम देखने को मिलेगी। देखो बेसिकली 0.25 से नीचे अगर आप लोग की कीवर्ड होगा ना सर्च वैल्यू में होगा ना तो आप लोग उसके अंदर डेफिनेटली वर्क कर सकते हो। अगर आप लोग ये जो देखने को मिलेगी 0.27 जिसका सर्च वैल्यू 110 है ना और ये SEO डिफ़िकल्टी आप लोगों को दिखा रहा है क्या, मीडियम दिखा रहा है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है DAP अच्छी है तो आप लोग ये कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग नया हो ना तो आप लोग बिल्कुल भी ये कीवर्ड को यूज़ मत करो क्योंकि आप लोग कभी भी रैंक नहीं कर सकते हो। ओके,
टॉप के अंदर बहुत सारे अच्छी DFA वेबसाइट रैंक करी होगी। तो अगर आप लोग एक कीवर्ड को रिमूव कर दोगे, एक कीवर्ड को अगर यूज नहीं करोगे, तो आपके लिए ही अच्छा है। बट हम लोग क्या करेंगे, और भी चीज़ें देखेंगे, और भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे जो कि आप लोग को बहुत सारे अच्छी रिजल्ट देने वाला है। तो सिंपल उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप लोग स्क्रॉल करो नीचे, तो आप लोग को कुछ सजेशन वगैरह देखने को मिलेगी। गाइस यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी कुछ सजेशन। देखो यहाँ पे पहले अगर हम लोग एक कीवर्ड को ले लेते ना, उसे मैंने कॉपी करा और उसका जो सर्च वॉल्यूम आप लोग को देखने को मिलेगी 1600, और वही सेम कीवर्ड को हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडिया के अंदर भी आप लोग को अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम देखने को मिलेगी। और ऑल इन टाइटल हम लोगों ने ऐड करा, हम लोग अभी सर्च करेंगे कितनी सारी पोस्ट उसके अंदर है। तो गाइस बूम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग के सामने जो कि ओनली 10 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगी। जैसे ही आप लोगों ने पोस्ट वगैरह को ऐड करोगे ना, जैसे ही पोस्ट वगैरह पब्लिश करोगी, तो आपके जो वेबसाइट होगी, आपकी पोस्ट होगी, डेफिनेटली वो टॉप 10 के अंदर रैंक करेगी, क्योंकि ये सिंपल आप लोग को 10 ही पोस्ट देखने को मिलेगी। मतलब एक कीवर्ड हमारे लिए जो कि गोल्डन कीवर्ड अभी बन चुकी है। देखो वही सेम कीवर्ड और उसका सर्च वॉल्यूम, अगर आप लोग US को टारगेट करना चाहते हो तो बेसिकली टारगेट कर सकते हो, जो कि उसके अंदर भी आप लोग को अच्छी खासी जो कि है सर्च वॉल्यूम देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इंडिया को भी टारगेट करना चाहते हो तो बेसिकली कर सकते हो, उसके अंदर भी आप लोग को अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम देखने को बेसिकली मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 320 आप लोग को जो कि इंडिया के अंदर सर्च वॉल्यूम मिल जाती है। तो कि हम लोगों ने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम ऐड करा 320, और यहाँ हमारा जो ऑल इन टाइटल है ना, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता था 10। तो अब भी आप लोग देख सकते हो आप लोग की जो डिफ़िकल्ट रहा KGR मेथड को यूज़ करके हम लोगों ने जो कीवर्ड रिसर्च करा, उसके अंदर आप लोग को एक बहुत अच्छी कीवर्ड मिल चुकी है। अगर इस कीवर्ड को अगर यूज़ करके आप लोग वर्क करोगे, अगर आप लोग पोस्ट वगैरह लिखोगे ना, तो विद इन 1-2 आवर के अंदर आप लोग जैसे ही इंडेक्स कर दोगे गूगल के अंदर, तो आप लोग की जो साइट है ना वो टॉप 10 के अंदर रैंक करने लगेगा, और आप लोग को अच्छी खासी जो मिल जाती है सर्च वॉल्यूम भी मिल जाती है ना। तो अगर आपकी पोस्ट क्वालिटी होगी तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन भी मिल जाएगी, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग भी कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने जो सर्च करा था, हमारा ये जो कीवर्ड था US के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि 1600। अगर आप लोग US को टारगेट करोगे ना, तो सिंपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि अभी हमारा जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0.03 है। अगर हम लोग यहाँ पे 1600 ऐड करते हैं तो और भी अच्छी कीवर्ड हमारा बन जाती है आप लोग, जो कि US की सर्च वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप लोग देख सकते हो बेसिकली जो कि 0.01। अगर इस कीवर्ड को यूज़ करके आप लोग पोस्ट वगैरह लिखोगे ना, ऑल इन पोस्ट वगैरह लिखोगे, आप लोग की जो पोस्ट है ना विद इन कुछ घंटे के अंदर आप लोग की जो पोस्ट को रैंक कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पे और एक चीज़ मार्क करो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक वेबसाइट तो यहाँ पे रैंक कर रहा है टॉप के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिंटरेस्ट यहाँ पे 1 और 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब अगर आपकी पोस्ट थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के अंदर लिख दोगे नहीं, तो आप लोग की जो पोस्ट है ना 1 के अंदर तो ये अभी देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे जो 1 नंबर के अंदर आप लोग की जो पोस्ट यहाँ पे आप लोग को देखने को बेसिकली मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी कीवर्ड मैं आप लोग को फाइंड आउट करके दी हूँ, अगर इस कीवर्ड की यूज़ करोगी तो आप लोग की डेफिनेटली आप लोग की जो चांस होगी अच्छी खासी रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग को ये जो कंप्लीट प्रोसेस अच्छी लगी होगी, और किसके अंदर कोई भी डाउट वगैरह बची है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, हम लोग आप लोग की सारी कमेंट की रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आशा करता हूँ आप लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल गया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो टेक केयर, बाय बाय।